my dear students and viewers. I welcome you all in my YouTube channel, Surgery Online Classes. And today topic of discussion is deep vein thrombosis. So let's start. Now why does blood clot occurs? जब भी कोई इंजरी होती है या डिजीज होती है, बॉडी का नेचुरल डिफेंस सिस्टम है कि वो फाइट करता है और क्लॉटिंग करता है. ब्लीडिंग के टाइम पे नेचुरली क्लॉट फॉर्मेशन होने लग जाता है. द बॉडी स्टार्ट्स क्रिएटिंग क्लॉट्स टू स्टॉप ब्लीडिंग दैट अकर्स ड्यू टू एनी इंजरी और अंडरलाइंग एनी डिजीज इफ प्रेजेंट. बट क्लॉट फॉर्मेशन अगर ज़्यादा हो जाएगा, हाइपरकोगुलेबिलिटी हो जाएगी, ज़्यादा ब्लड क्लॉट्स होंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी. हाउएवर समटाइम दिस क्लॉट्स कैन कॉज प्रॉब्लम. ब्लड क्लॉट्स इन वेन्स क्लोज टू द स्किन आर यूजुअली नॉट सीरियस, बट ब्लड क्लॉट्स फॉर्म्ड इन डीप वेन्स लाइक लेग्स, हिप्स, पेल्विस, आर्म्स एंड नेक एंड चेस्ट आर डेंजरस एंड रिक्वायर्ड मेडिकल अटेंशन. ब्लड क्लॉट्स तब होंगे जब स्टेसिस हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होगा. अगर सेडेंट्री लाइफ है, मूवमेंट नहीं है, ओबेसिटी नहीं है, तो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होंगे एंड देन पंप नहीं हो पाएगा ब्लड लोअर लिम्ब से अगेंस्ट द ग्रेविटी टूवर्ड्स द हार्ट. नाउ सी हियर इन दिस वीडियो, ये देखो वेन्स में से कैसे ब्लड फ्लो हो रहा है. बट ये देखो वेल्व्स खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं. बट अगर वेल्व्स फंक्शन नहीं करे प्रॉपरली और मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो वेन्स का, देन क्लॉट्स फॉर्मेशन होता जाएगा. ये देखो कितने सारे क्लॉट्स इकट्ठे हो गए. इतने सारे क्लॉट्स इकट्ठे होके क्या बनाएंगे? थ्रोम्बस. क्लॉट को बोलते हैं थ्रोम्बस एंड देन इट ट्रेवल्स इन सर्पेंटाइन मैनर इन अ वेन. अगर ये डिटैच्ड हो जाए तो इसको बोलते हैं एम्बोलाय एंड अगर लंग तक पहुंच जाए तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म. पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ ए डीप वेन थ्रोम्बोसिस. नाउ डीप वेन थ्रोम्बोसिस एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो कि ब्लड क्लॉट होगा, थ्रोम्बस फॉर्मेशन होगा एंड वो थ्रोम्बस अगर डिटैच्ड हो जाएगा तो एम्बोलाई कहलाएगा एंड डिटैच्ड होकर अगर लंग्स तक पहुंच गया तो कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी पल्मोनरी एम्बोलिज्म. डीप वेन थ्रोम्बोसिस इज ऑल्सो नॉन एज फ्लीबोथ्रोम्बोसिस. इटियोलॉजी वी हैव डिस्कस्ड, जिसमें वर्चुअस ट्रायड था, जिसमें फर्स्ट था स्टेसिस, देन हाइपरकोगुलेबिलिटी एंड थर्ड वॉज इंजरी टू द वेसल वॉल. नाउ प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स, मेजर इंजरीज फॉलोइंग ऑपरेशन, कोई मेजर सर्जरी हुई हो, कोई विसरा का कैंसर हो किसी ऑर्गन का, इफ पेशेंट इज कंटिन्यूसली स्मोकिंग, डायबिटीज हो, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, प्रेगनेंसी हो, लॉन्ग पीरियड ऑफ सिटिंग और बेड रेस्ट, इफ देर इज लॉन्ग परसिस्टेंट इन्फेक्शन हो, क्रॉनिक बन जाए, वेरिकोस वेन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, जब ब्लड फ्लो अगेंस्ट द ग्रेविटी नहीं हो पा रहा लोअर लिम्ब से लेके टूवर्ड्स द हार्ट, स्टेसिस होगा एंड देन क्लॉट फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, ओबेसिटी एंड यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव पील्स. नाउ साइट डीप वेन थ्रोम्बोसिस की साइट जो है मोस्टली काफ मसल्स है एंड काफ इज द मोस्ट फ्रिक्वेंट साइट ऑफ द थ्रोम्बोसिस. इटियोलॉजी ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस वर्चुअस ट्रायड है. थ्री पॉइंट्स हैं. फर्स्ट स्टेसिस यानी रुकावट हो सर्कुलेशन में, सेकेंड क्लॉट फॉर्मेशन ज़्यादा हो, थर्ड अगर इंजरी हो. स्टेसिस रुकावट वेरिकोस वेन करके हो सकती है, या सर्जरी हुई हो हिप या नी की, या बहुत टाइम से पेशेंट का मूवमेंट नहीं हो रहा हो, या ऑब्स्ट्रक्शन हो लेट प्रेगनेंसी या ओबेसिटी करके. क्लॉट फॉर्मेशन ज़्यादा कैंसर में हो सकता है, सीवियर इलनेस हो सकता है, डिहाइड्रेशन, या पेशेंट ईस्ट्रोजन ले रहा हो बर्थ कंट्रोल के लिए. एंडोथेलियल डैमेज दैट इज इंजरी हो सकती है अगर पेशेंट बहुत मेडिकेशन पे है, या सर्जरी के बाद कोई ट्रॉमा या इंजरी हुई हो वेसल को. सिम्टम्स ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस, लेग पेन होगा, स्वेलिंग होगी उस एरिया पे, एडिमा दिखेगा हमें, चेंजेस इन स्किन कलर होंगे, एरिया अलग से ही वार्म हो जाएगा, एरिथमा होगा एंड टेंडरनेस दैट इज हाथ लगाने पे बहुत पेन होगा. एंड अगर एम्बोलिज्म डिटैच्ड होके
लंग्स तक पहुंच गया तो लंग्स के सिम्टम्स दिखेंगे हमें, दैट इज डिस्पनिया, पेन इन चेस्ट, फास्ट हार्ट बीट्स, डिजीनेस, फेंटिंग एंड कफिंग अप विथ ब्लड। इन्वेस्टिगेशंस में कंप्लीट ब्लड टेस्ट करेंगे, लीवर फंक्शन टेस्ट एंड यूरिया, क्रिएटिनिन, इलेक्ट्रोलाइट, बिसाइड्स दैट फ्लिबोग्राफी, रेडियो एक्टिव फिब्रिनोजन टेस्ट, डुप्लर अल्ट्रासोनोग्राफी एंड वीनस प्रेशर मेजरमेंट, डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड इमेजिंग। नाउ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि लेग्स को एलिवेट करें अबाउट द लेवल ऑफ हार्ट, इससे ब्लड अच्छे से पंप होके ऊपर हार्ट तक जाएगा लोअर एक्सट्रीमिटी से। देन डोंट मसाज और रब दैट अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी, क्योंकि ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो रहा, वहाँ पे थ्रोम्बस है एंड ऐसे करने से कोई इंजरी हो सकती है। देन इंश्योर बेड रेस्ट, पेशेंट को बोलो कि अच्छे से रेस्ट लेना है आपने, ज़्यादा एग्जर्शन नहीं करना है। देन ऑलवेज रिकमेंड फॉर टाइट कंप्रेशन स्टॉकिंग्स, उसका फ़ायदा मैंने आपको पहले ही बताया था दैट इट हेल्प्स इन प्रॉपर ब्लड। नाउ ट्रीटमेंट, ब्लड थिनर्स और एंटीकोगुलेंट्स आर गिवन टू द पेशेंट ब्लड को पतला करने के लिए एंड मोस्टली हेपरिन देते हैं। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, हेपरिन इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज लो मॉलिकुलर वेट हेपरिन, दैट इज गिवन इंट्रावीनसली। सेकेंड इज सबक्यूटेनसली देते हैं। एंड अगर ओरली देना हो तो वेफरिन। अगर पेशेंट नहीं ले पाता ये दोनों चीज़ें तो पेशेंट को रिकमेंड करते हैं क्लॉट बस्टर्स, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोलाइटिक्स, जो क्लॉट्स को जाके ब्रेक कर देता है। दिस ड्रग्स आर आइदर गिवन थ्रो एन आईवी लाइन टू ब्रेक अप ब्लड क्लॉट्स और थ्रो अ कैथेटर प्लेस डायरेक्टली इनटू द क्लॉट। तो कैथेटर प्लेस्ड कर देते हैं एंड वो क्लॉट को ब्रेक कर देता है। देन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट, वीनस थ्रोम्बेक्टोमी विथ फॉगेटी कैथेटर। सेकेंड, प्रिवेंशन ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म बाय सर्जिकल मीन्स। अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म होगा तो, बिकॉज इट इज़ वेरी डेंजरस कॉम्प्लिकेशन ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस। एंड अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म बन जाता है एंड लंग्स तक पहुंच जाता है तो सीवियर चेस्ट पेन होगा, डिस्पनिया होगा, हो सकता है कि ब्रीथिंग प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा हो जाए कि पेशेंट की सडन डेथ हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।